Okay, good morning students. Welcome on the platform of R.P.S online classes. देखिए previous class में हमने ना what energy and power इस chapter का start किया था. उस chapter में हम तुमने work के बारे में कि work क्या है, work के types क्या-क्या होते हैं, work को calculate कैसे कर सकते हैं, work किस-किस feature मतलब किस-किस parameters पर depend करता है, work का जो calculated value है वो क्या-क्या हो सकता है, इन सारे चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया. उसमें अगर वर्क के बारे में बात कर रहे थे तो वर्क ना पॉजिटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव हो सकता है, वर्क जीरो हो सकता है, इन सभी चीजों को देखा, कैलकुलेट किया. बट अभी अब उस वर्क पे होने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी नीड होती है और उसके एब्सेंस में कोई वर्क नहीं हो सकता है, एंड दैट इज एनर्जी. एनर्जी के डेफिनेशन में बोलते हैं द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी. ठीक है, करते हैं द एनर्जी टू डू एनी वर्क, द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी. किसी भी वर्क को करने के लिए, ठीक है, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क दैट इज नोन एज एनर्जी. काम करने की इच्छा जैसे क्षमता, अगर एनर्जी नहीं है मतलब यह लाइफ में बेकार है, लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता. तो यह एनर्जी किस किस फॉर्म में डिपेंड एग्जिस्ट करता है? देखिए एनर्जी एक्चुअली हमारे इस ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए देखा जाए तो यह एनर्जी ना हर एक, जैसे हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, बट ये एनर्जी इस हमारे सराउंडिंग में बस दो ही टाइप में होता है. इसका जो टाइप है वह दो ही तरीका है, दो ही तरह का टाइप है, और वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी. एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जहां तक पोटेंशियल एनर्जी की देखिए दो ही टाइप की बात करते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या और भी दूसरे कुछ भी एग्जिस्ट करते हैं, उन सबों के बारे में अपना जो मत है उसको आप नहीं रख सकते कि और टाइप इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, कम्युनिकेशन एनर्जी हुआ, बीम एनर्जी हुआ, बहुत सारी चीजें है. बट इस सभी एनर्जी का जो अल्टीमेट फॉर्म है, जो प्रोडक्शन है, वह इस दो ही टाइप में, या तो पोटेंशियल है या फिर काइनेटिक. तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? तो देखिए द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी ड्यू टू देयर कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू देयर हाइट, ड्यू टू देयर स्टेट. वह किस स्टेट में है, मतलब रेस्ट में है, मोशन में है, किस हाइट पे है, उसका कॉन्फिगरेशन मतलब उसके साइड जो पेटर्स वगैरह है उसका अरेंजमेंट क्या है, क्या है, इन सभी के अकॉर्डिंगली जो उसमें एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. पी ई से डिनोट करते हैं इसे, और मैथमेटिकली इस पोटेंशियल एनर्जी का जो कैलकुलेशन है वो उसको उसके जो मास है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी denoted by m and it will never going to change, it will always keep the constant at any places, I mean on any planets. इसे calculate करने के लिए mass उसमें acceleration to grab to g and ये जितनी height पड़ता है उससे multiply करता है, ये उसके potential energy को denote करता है. और combine अगर का देखा जाए ये जो MGH है इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं MGH MGH. दूसरा जो एनर्जी देख रहे हैं वहां काइनेटिक एनर्जी. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट
रेस्ट में नहीं है, मतलब यहां पर हमने बात की है कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रेस्ट में हो, मतलब उसका ओवरऑल वर्क रेस्ट में हो, उसके कंफिगरेशनल इफेक्ट के कारण जो एनर्जी होगी उसको एनर्जी से नोट करेंगे और वह पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक उसके अपोजिट कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं हो किस स्टेट में होगा, वो मोशन में होगा, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी और यह जो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इस काइनेटिक एनर्जी उसे हम लोग उस वेलोसिटी के कारण जो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी होगी उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और यह काइनेटिक एनर्जी जो है इसे डिनोट करते हैं मैथमेटिकली आप एम वी स्क्वायर से। ठीक है, तो बेसिकली एकदम से फंडामेंटल रूप में देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वह दो टाइप की ही होती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। अब जो एनर्जी यहां देख रहे हैं ये क्या है, तो इसे ना मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसी को एमई भी बोलिए या फिर टोटल एनर्जी। और यह टोटल एनर्जी जो है वह बराबर होता है किसके, वह बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी और यह मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। अब यहां इन सारी चीजों को देख करके आप यह समझ रहे होंगे जब यह टोटल सम है तो एक बहुत दिनों से एक बचपन से यह सुनते आ रहे हैं एनर्जी नाइदर के रिलेटेड नॉर विल डिस्टर्ब, वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विल टेक प्लेस। एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यह नया बनाया जा सकता है, एनर्जी को बर्बाद किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। तो हम लोग अभी आने वाले क्लास में यह जो प्रिंसिपल जो हमें यह बताएगा कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, यह न्यू क्रिएट नहीं किया जा सकता है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, इसे हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। और यह प्रिंसिपल कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। इसे तब तक चैप्टर्स को स्टडी करके आइए फिर से अगले क्लास में स्टडी कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल पार्ट में आएंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।